आदरणीय रूमी अंकल जोरदार तालियां, बोलिए श्याम प्यारे की जय, बोलिए हरे के सहारे की जय, हरे हरे थोड़ा गेन बढ़ा के बोलिए है पाप किए जिसने बस वो ही डरता है अच्छे के साथ बाबा सदा अच्छा ये मैं नहीं बोलूंगा अगर आपको विश्वास है अच्छे के साथ बाबा सदा बस यही बात समझ करके खाटू आना यही बात समझ के कीर्तन में मेरे बाबा के दरवाजे पे आना कि जीवन की गाड़ी दो पहियों पे चलेगी पहली प्रार्थना और दूसरा कर्म अगर जीवन में कर्म और प्रार्थना दोनों हैं तो ये आपके घर चल करके आएगा आपकी मंजिल को आपकी झोली में डाल के चला जाएगा कि तू कर्मठ भी है और प्रभु में लीन भी है चरणों में प्रार्थना में चमत्कार और ढोंग कुछ नहीं आडंबर कुछ नहीं आपके कर्म अच्छे हो और आपका ठाकुर पे भरोसा हो आपकी प्रार्थना सच्ची हो तो मुझे विश्वास है कि आपकी मंजिल आपके चरणों में होगी आपके कदमों में होगी। आजकल आपको बरगलाया जाता है झूठे किस्से झूठे कहानियां ये हालत बना दी गई है जैसे सारे चमत्कार हम गायकों के साथ ही होते हैं हम ही बहुत बड़े पुण्य वाले हैं जो सारे चमत्कार हमने ही देखे आपने कुछ नहीं देखा। इस दुनिया में ऐसे ऐसे गृहस्थ संत हैं जिन्होंने परिवार का भी पालन अच्छी तरीके से किया और ठाकुर के नियमों का पालन भी अच्छी तरीके से किया वो ठाकुर से मिलने नहीं जाते ठाकुर उनसे मिलने आया करता है। सबका हो जाता है कोई खुश है जान के ये कोई घबराता है सब देख रहा बाबा वो देख रहा है कौन मनोरंजन करने आया है और कौन सत्संग में बैठने आया है सब देख रहा बाबा मिलके देख रहा बाबा कुछ छिप नहीं पाता है सब देख रहा बाबा कुछ छिप नहीं पाता है कोई खुश है जान के कोई घबराता है Thank you.
से एक आँख न भाता है, मोदी पाखंडी से एक आँख न भाता है। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कैसे भाएगा इसे ढोंगी और पाखंडी। जिस बच्चे के साथ गाइएगा, सब देख रहा बाबा कुछ छुप नहीं पाता है, सब देख रहा बाबा कुछ छुप नहीं पाता है, सब देख रहा बाबा कुछ छुप नहीं पाता है, सब देख रहा बाबा कुछ छुप नहीं पाता है। कोई खुश है जान के ये, कोई घबराता है, कोई खुश है जान के ये, कोई घबराता है। आइए मेरे बाबा पे भरोसे वाली हाजी, कोई हाथ नीचे ना रहे, फिर के मेरा रिश्तेदार 56 भोग ले जा रहा है, मेरे पास बताशे हैं, मैं क्या करूं, कभी चिंता मत करना, इसके दिए हुए में से इसको हम क्या दे सकते हैं, बस ये कल्पना करना, इसके दिए हुए में से हम इसे क्या दे सकते हैं। कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाना, एक भाव लेके दरबार जाना कि हम तब भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हैं, कल भी तेरे दरबार के भिखारी ही रहेंगे। सेवक का भाव अगर होगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं मालिक बन करके आपकी मुस्कुराहट सदा बरकरार रखेगा मेरा दाता, ये इसकी कृपा है। और जिस दिन सेवक के भाव से हट जाओगे, कह देगा कि जाओ भाई अब जिम्मेदार हो गए हो, अब बड़े आदमी बन गए हो, खुद अपनी नाव चला लो, मेरी क्या जरूरत है। कभी इस भाव से मत जाना और कभी ये मत सोचना क्या लेकर जाऊं। भावों का सच ये अपने, सुन लो, भावों का सच ये अपने तू भोग चढ़ाए जा, अरदास लगाए जा, मेरे बस में बस इतना अरदास लगाए जा, तेरे बस में बस इतना अरदास लगाए जा, तेरे बस में बस इतना अरदास लगाए जा। सुनो, वो लोग जरूर सुनेंगे जो मेरे बाबा श्याम के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते। कलयुग का दातार है प्यारे, लेकिन मूर्ख नहीं है, दुनिया का मालिक है। कलयुग का दातार है प्यारे, इसे परखना आता है, देव बड़ा अनबेला है ये
क्या होता है। एक बार जरा दोनों हाथों में करके हाजिरी लगाना, ये सच्चे मन से अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए कमी कहां रही। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम भैया का, ये आशीर्वाद मुझे बाबा जी का मिल रहा है आपके हाथ में। प्रमोद भैया बस एक भजन और बात करें। सौदागर बन सौदा करते, हमने मंदिर को भी सौदे का केंद्र बना दिया कि मेरा ये काम कर तभी किस बार आऊंगा, मेरा ये काम कर तब तेरा कीर्तन कराऊंगा, मेरा वो काम कर तो तेरी सभा मनी कराऊंगा। क्या ठाकुर ने पहले कुछ नहीं दिया, ये सुंदर शरीर दिया, हाथ पांव पे चलते जाते हैं, इसका ही शुक्राना कर लेते। दुनिया के साथ सौदे करते करते भगवान से भी सौदे करने लगे, प्यार कब करोगे ठाकुर से। जिसने कुछ नहीं दिया उससे भी कहते हो कि आधी रात बुलाओगे चलाऊंगा, और जिसने इतना कुछ दिया उससे कहते हो ये काम करो तब आऊंगा तेरे दरबार। तालियां बजाना समझना। सौदागर बन सौदा करते श्याम भैया, सौदागर बन सौदा करते लाज लगाना भूल गए, लाज लगाना भूल गए, लाज लगाना भूल गए। पूछना अपनी दादी से, पूछना अपनी माँ से, सालों साल लाज लगाया करती थी ठाकुर को, सालों साल घर में बैठ के ठाकुर को लाड लगाना, और जब बच्चे को दुखी देखना तो धीरे से ठाकुर से कहना, ठाकुर तेरा लाड लगाया है मेरे बच्चे को भी खुशियां दे। बच्चों का आंगन भी महक उठता था, सौदे नहीं किया करती थी वो बूढ़ी दादी, वो बूढ़ी माँ। जब भक्त पुकारे प्रेम से तब दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। होने वाली यानी के सभी श्याम प्रेमी आज भात खाएंगे, नानी भाई का मायरा और नरसी का भात अब शुरू होने वाला है, और अभी नरसी के भात की कथा चल रही है और सभी यहां पर भात देने के लिए तैयार हैं। सभी श्रद्धालु बोलो हरे के पिता के गले में रोई, और जब भात का सामान नजर नहीं आया तो नानी ने प्रश्न किया, और अब नानी भाई का मायरा और भात उत्सव चालू होने वाला है, और अभी कथा चल रही है। रोमी जी अभी कथा सुना रहे हैं, भजन सिंह हरमिंदर सिंह रोमी जी और नानी भाई का मायरा चालू होने वाला है और भात उत्सव शुरू होने वाला है, और आज सभी यहाँ पर भात पहनेंगे।
आप देख सकते हैं और बैलगाड़ी चलने वाली है और पहुंचने वाली है नारी भाई के मायने। और बस बात उत्सव चालू होने वाला है। हम लोग लश्कर को ऐसे आए लश्कर लश्कर हम भी आज भात पहनने वाले हैं भात उत्सव में। बिल्कुल बाबा का भजन हो जाए। भजन तो नहीं आता। अरे के लिए ग्वालियर मेला महोत्सव की ओर से एक आग्रह श्याम प्रेमियों के लिए। अभी रात का 1 बज रहा है और यहाँ पर सभी श्याम प्रेमियों के लिए और श्याम भक्तों के लिए चाय के भी प्रबंध किया गया है लगातार सेवा मंडल के द्वारा। और ये नानी भाई का मायरा नर्ती का भात की शुरुआत हो चुकी है। और नानी भाई का मायरे की शुरुआत हो चुकी है और नर्ती का भात आप सभी श्याम प्रेमी पहनने वाले हैं और नर्ती के भात की शुरुआत हो चुकी है। और सभी श्याम प्रेमी और लगातार सेवा मंडल के सभी सदस्य नर्सी का भात लेकर जाते हुए और सभी भात लेकर जा रहे हैं और नर्सी का भात की शुरुआत हो चुकी है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे पंडाल तक पहुंचते हुए और नर्सी का भात की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे बैलगाड़ी पर सवार होकर भात पहनाने जाते हुए नानी भाई के मायरा। नर्सी का भाग उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। नानी भाई के मायरे पहुंचते हुए आप देख सकते हैं भात उत्सव शुरू हो चुका है और भात पहनाते हुए लगदादार और भात उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। और भात उत्सव और बैलगाड़ी पर सवार होकर नरसी अपने बहन को भात पहनाते हुए सीधे रस्ते पर डाली। ठाकुर ने हाथ जोड़ करके नरसी के सम्मुख खड़े हो गए और मेरे मोर मुकुट नरसी वाले ने कहा जा रहे हैं हमको भी दिखा दे। नरसी ने कहा दिखाई नहीं देता तुम्हें दिखता नहीं है बैलगाड़ी टूटी बैल मर रहे भात उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। और तो मेरे मुरली वाले ने मुस्कुरा करके कहा श्याम प्रेमियों को भात मेरा नाम कृष्ण और नरसी का भात नानी भाई का मायरा की कथा आदेश करो तो दादी भी ठीक कर दो। हरमिंदर नरसी की आंखों में आंसू आ गए। भूमि जी कहने लगे भाई तेरा उपकार है कि तूने गाड़ी बाहर निकाली कथा का वाचन करते हुए लेकिन गाड़ी ठीक कैसे करवाओ मेरी जेब में मेरी थैली में मजदूरी देने के लिए ढेला भी नहीं है। तो मेरे मुरली वाले ने कहा भगत जी आपकी गाड़ी शर्त ये है कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाथों और 56 भोग बाबा को
लगाए गए हैं आज महल गार्डन एक शाम लाज बचाने के नाम आखिरी बार कन्हैया को आवाज लगा रही है कि वीरा आजा, आखिरी बार कह रही है तू नहीं आएगा मैं तो मर जाऊंगी, बात अलग की है मेरा बाबुल भी जी नहीं सकेगा, उसका भरोसा मत तो। नानी ने रोकर के कहा कन्हैया मुझे तेरे हीरे मोती जोहरात सोने चांदी का लालच नहीं है, मत लाना मत ला, ये मत सोच मैं उसके लिए बुला रही हूं, तुम हाथ में कुछ मत लाना, मैं इनसे कहके मारे की चुनरी का इंतजाम भी करवा दूंगी, वो भी तुझे लाने की जरूरत नहीं है, ऐसी कहने मोती हो चुकी है। यानी कि अब सभी श्याम प्रेमियों को भात पहनाया जाएगा, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सभी को चांदी के सिक्के भेंट उपहार स्वरूप दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं, और भात उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और सभी श्याम प्रेमियों को आज भात पहनाया जाएगा, नरसी का भात। भात उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और सभी श्याम प्रेमियों को भात बनाया जाएगा। हाँ जी, भात उत्सव की शुरुआत हाँ भात उत्सव हो चुकी है, भात बनाने जा रहे हैं नरसी भाई, भात बनाने जा रहे हैं हाँ हाँ भात बनाने जा रहे हैं नरसी भाई साहब जा रहे हैं भात बनाने के लिए, भगवान कृष्ण आने वाले हैं हमारे आराध्य कन्हैया जी आने वाले हैं और सभी श्याम प्रेमियों को आज भात उत्सव में सभी को भात बनाया जाएगा, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर ये भात में चांदी के सिक्के और सभी के लिए कपड़े भी लेकर जाते हुए और भात उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जहाँ से और भात उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और सभी को आज भात पहनाया जाएगा नानी भाई के मायरे में।